झूमे जो पठान। सो गाइस पठान के भाई ये जो सक्सेस देखने के बाद ऑडियंस झूम रही है भाई, किस तरीके से झूम रही है आप सब वीडियो में देख ही सकते हो भाई साहब। ये सब देखने के बाद पता नहीं बाइकआउट करने वाले भाई क्या सोच रहे होंगे, वो सोच रहे हैं भाई ये सब क्या हो रहा है, देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फट गई भाई। सेम रिएक्शन वो लोग सोच रहे हैं भाई जितना मैं सोचा था। देखो मैं प्रेडिक्शन लगाया था कि 50 करोड़ और 55 करोड़ तक जाएगा पहला दिन कलेक्शन, लेकिन गाइज ताबड़तोड़ कलेक्शन हुई है। मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन गाइज 100 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुका है डे वन भाई। टोटल पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ आपके इस वीडियो में, तो भाई वीडियो में बन रही है। और भाई जितने भी ऐसा फैन सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। सो गाइज देखो यहाँ पर मैं पूरा मूवी का लिस्ट लेके आ चुका हूँ कि भाई फर्स्ट भाई यहाँ पर देखा जाए तो टोटल ओपनिंग डेज में कौन सा मूवी ने कितना कलेक्शन किया। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर गाइज पहले टॉप वन पे KGF चैप्टर 2 था जो कि यहाँ पर 53 करोड़ का भाई ओपनिंग कलेक्शन किया था, 53 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि गाइज इसको 55 करोड़ कर दिया गया है भाई पठान बीट करते हुए, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। गाइज यहाँ पर देख लो हिंदी लैंग्वेज में भाई टोटल भाई जो 100 करोड़ आ रही भाई, जो हिंदी इंग्लिश वगैरह तेलुगु जितने भी मतलब ग्रॉस होता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ रही भाई, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़, लेकिन गाइज हिंदी में 53 करोड़ से ऊपर यानी कि बीट करते हुए 55 करोड़ भाई झंडा गाड़ दिया पठान। सो गाइज यहाँ पर भी सबकी डेटा निकल कर आ चुकी है ऑफिशियली। यहाँ पर गाइज PVR की बात करो तो गाइज ओनली PVR ने 12.5 करोड़ हिंदी में कमा कर दिया है, और आइनॉक्स 10.5 करोड़, और भाई सिनेपोलिस भाई थोड़ा पीछे रह गया 5.5 करोड़ कमा कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा कलेक्शन यहाँ पर आया है PVR से, जो कि आप सब देख सकते हो क्राउड कितना था भाई PVR में। गाइज इस सब का वजह एक ही है, शाहरुख खान का कमबैक। 4 साल से शाहरुख खान ने आया नहीं था, 4 साल में भाई शाहरुख खान का फैन जो बेस बना था वो सब रंग ला रहा है। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगा था कि बॉलीवुड जो ठप हो चुका है, बॉलीवुड मतलब वापस कमबैक नहीं करेगी, कमबैक करेगी लेकिन गाइज इस तरीके से कमबैक करेगी मुझे पता नहीं था। यहाँ पर देख लो परमहंस, देख लो यहाँ पर दृश्यम 2, और यहाँ पर पठान का भाई कमबैक जिस तरीके से हुआ है, इस तरीके से लगता है कि बॉलीवुड भाई वापस बैक हो चुका है। और भाई फ्यूचर में जो मूवी आने वाली है 2023 में जो प्रोजेक्ट है आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सो गाइस यही है कुछ राम कहानी पठान का। मैं इतना बोलूंगा कि भाई जो सोचा था भाई उससे कहीं ज़्यादा निकला, और भाई एक शाहरुख खान में ही वो पावर है जो ऑडियंस को थिएटर तक दोबारा खींच के ले जाए भाई। कोई भाई मूवी मतलब समझते हो, कोई मूवी एक बार नहीं देखता भाई, ये मूवी ऐसा जो आपको दोबारा थिएटर तक जाने के लिए मजबूर कर देगा। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो आ रही है।